नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, कल हमने देखा कि प्रेस रिपोर्टर्स के सामने कैसे भड़के पुष्कर और सई, और कैसे उन्होंने मेघा को टारगेट करने की कोशिश की। मगर आफ्टर प्रेस रिपोर्टिंग क्या इफेक्ट हुआ घर वालों के ऊपर, क्या इफेक्ट हुआ सई के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, कल के एपिसोड में आपने कुछ नोटिस किया होगा, क्योंकि मैंने किया है तो आपने भी किया होगा, कि काफी हम लोग एक तरह सोचने लग गए हैं बिग बॉस देखने के बाद। जब प्रेस रिपोर्टर्स घर से चले गए थे और सब लोग अपने अपने कामों में, यानी कि अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए थे, घर के लोग जैसे अस्ताद सीमिता बात कर रहे थे, शर्मिष्ठा और मेघा बात कर रहे थे, और सई और पुष्कर अपने वही कॉर्नर में बात कर रहे थे, मगर टॉपिक उनका वही था, मेघा। मगर इस बार सई की बात करने की जो तरीका था पुष्कर की तरफ, वो थोड़ा बदला हुआ लगा और मेघा की तरफ थोड़ा झुका हुआ लगा। तो ये सई का जो प्रेस आने के बाद का जो साइड इफेक्ट मेघा का सई के ऊपर दिखा, वो थोड़ा मुझे लगा अटपटा कि ऐसा क्या अचानक से सई क्यों हो गया कि फिर से मेघा की फेवर की बात करनी शुरू कर दी उसने। उसने पुष्कर को ये बात बोल दी कि तुम मेघा को फेक नहीं बोल सकते हो प्रेस के सामने, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते हो। मतलब पुष्कर की पॉइंट जो निकालने शुरू कर दिए सई ने, और पुष्कर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने बोला कि तुम मेघा की फेवर कर रही हो, और सई ने उसको नकारा कि नहीं, फेवर नहीं कर रही हूँ, जो सही बात है वही बोल रही हूँ। मगर दोस्तों, ये बात थोड़ी सी मुझे लगी अजीब कि एकदम से सही को क्या हो गया, क्या पुष्कर इससे पहले नहीं बोल चुका मेघा को फेक, या मेघा जो है डिसीव है, मेघा ऐसा करती है, मेघा डिसलॉयल है, ये बातें पुष्कर ने पहले भी बोली है, और क्या सही को नहीं पता? ये तो प्रेस रिपोर्टर तो आज ही आए हैं, ये बातें जब पहले से पुष्कर बोल रहा है, नेशनल टीवी पे बोल रहा है, तो तब भी पब्लिक सुनी रही है, और प्रेस वाले जो भी लिखेंगे वो भी पब्लिक ही देखेगी, वही पब्लिक देखेगी। तो एकदम से प्रेस के आने के बाद ऐसा क्या सही को लगा, और उसने क्या सोचा, और क्यों मेघा की फेवर करनी शुरू कर दी, मेरी समझ में तो आया नहीं। क्योंकि दो दिन पहले क्या फायदा होने वाला है, ये सही का पॉजिटिव पॉइंट था या सही का नेगेटिव पॉइंट था, मेरी समझ में तो आया नहीं। आपके समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर सही ने मेघा की फेवर क्यों की। दोस्तों, आपके कमेंट का वेट रहेगा, और हंग्री स्पिरिट्स आप देखते रहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।